गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का मुतालयाती दौरा। वफ्त में मैनेजमेंट साइंसेज के 24 से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल थे। डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ एक्शन। इछरा और कोट लखपत में असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। कसूर पुलिस का जिला भर में पेट्रोल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 33 करोड़ रुपये मालियत का जखीरा अंदोज पेट्रोल और डीजल बरामद कर लिया गया। और DPO जंग मलिक तारिक महबूब जराइम की रोकथाम के लिए सरगर्म। शेन स्कॉट को पुकार 15 की कॉल पर फौरी दादरसी बारे ब्रीफिंग। अस्सलामु अलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं उमर बख्त। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का मुतालयाती दौरा। वफ्त में मैनेजमेंट साइंसेज के 24 से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल थे। शिफ्ट कमांडर DSP रियाज शाहिद ने वफ्त को इदारे की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। वफ्त को इदारे के मुख्तलिफ शोबा जात का दौरा भी करवाया गया और ब्रीफिंग दी गई। वफ्त को अवामी आगाही मुहिम, मीडिया मैनेजमेंट और वीमेन सेफ्टी ऐप बारे भी बताया गया। यूनिवर्सिटी तलबा ने पंजाब पुलिस वीमेन सेफ्टी ऐप में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। शिफ्ट कमांडर DSP का कहना था कि इंटीग्रेटेड 15 सिस्टम की बदौलत पुलिस रिस्पॉन्स टाइम में नुमाया बेहतरी आई है। वफ्त के शुरुका ने कहा कि सेफ सिटीज़ टीम की पेशा वराना काबिलियत और सलाहियत देखकर बहुत मुतासर हुए हैं। वीमेन सेफ्टी एप्लीकेशन खवातीन के तहफ़ के लिए पंजाब पुलिस का बेहतरीन इकदाम है। डॉल्फिन स्कॉट लाहौर का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ एक्शन। इछरा और कोट लखपत में असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जे से राइफल और पिस्तौल बरामद कर लिया गया है। डॉल्फिन टीम ने मुगलपुरा से पेशावर मोटरसाइकिल चोर भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 3 रोज कबल शहरी की मोटरसाइकिल चोरी की थी। दूसरी जानिब डॉल्फिन टीम ने पतंगबाजी में मुलविस मुलजिम भी धर लिया। मुलजमान से पतंगे और डोर भी बरामद कर ली गई हैं। मुलजमान को थाना मुगलपुरा, इछरा और बागबानपुरा के हवाले कर दिया गया है। SP इन्वेस्टिगेशन सदर अब्दुल हनान की जेर सदारत मीटिंग। मीटिंग में डकैती, रॉबरी, कत्ल और इकदाम कत्ल के मुकदमात का तफसीली जायजा लिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन सदर अब्दुल हनान ने पुलिस अफसरान को साइंटिफिक एविडेंस की बुनियाद पर तफ्तीश को जल्द यकसू करने की हिदायत की। 15 कॉल पर तफ्तीशी अफसर फौरी क्राइम सीन पर पहुँच कर शवाहिद इकट्ठे करें। SP इन्वेस्टिगेशन सदर का कहना था कि 15 कॉल पर रिस्पांस टाइम समेत जेर तफ्तीश मुकदमात को खुद मॉनिटर करूंगा। फिंगरप्रिंट, डाटा एनालिसिस, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी लाएंगे। तफ्तीशी अमल में नकाइस दूर करने के लिए प्रोसिक्यूशन अफसरान की मुआवनत लें। कसूर पुलिस का जिला भर में पेट्रोल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 33 करोड़ रुपये मालियत का जखीरा अंदोज पेट्रोल और डीजल बरामद कर लिया गया है। थाना सदर पत्तों की और सदर फूलनगर के इलाकों में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस टीमों ने 2 डिपो से 13 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल बरामद कर लिया, जबकि 2 डिपो सील कर दिए। पुलिस टीमों ने दर्जन से ज्यादा आयल टैंकर भी कब्जे में ले लिए। मुलजमान ने पेट्रोली मसनूआत की कीमतें बढ़ने के नतीजे में तेल की जखीरा अंदोजी की थी। मुलजमान के खिलाफ पुलिस की मुदैयत में मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। DPO जंग मलिक तारिक महबूब जराइम की रोकथाम के लिए सरगर्म। शाहीन स्कॉट को पुकार 15 कॉल पर फौरी दादरसी बारे ब्रीफिंग। DPO जंग मलिक तारिक महबूब ने जराइम की रोकथाम के लिए शाहीन स्कॉट को ब्रीफिंग दी। उन्होंने शाहीन स्कॉट को पुकार 15 की कॉल पर मुतासरीन की फौरी दादरसी और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बरवक्त एक्शन की हिदायत दी। DPO जंग का कहना था कि तमाम शाहीन स्कॉट्स रिस्पॉन्स टाइम मजीद बेहतर बनाते हुए जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ घेरा तंग करें। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए PSA.media और सोशल मीडिया पेजेज़।